जादुई घड़ा। एक गांव में चंदा नाम का एक किसान अपने खेतों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां उगाया करता था। वह खानदानी अमीर था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह गरीब हो गया था। उसकी सारी जमीन हड़प ली गई थी। उसकी जो पत्नी थी वह मिट्टी के बर्तन बनाती थी और उसके दो जुड़वा बेटे भी थे जो काफी आलसी थे। अब धीरे धीरे समय बीता और वह जो किसान था यानी कि जो चंदा था वह काफी बूढ़ा हो गया था। उसने एक दिन अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोला, देखो बेटो, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारी माँ भी कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। तुम लोग केवल घूमते रहते हो और कोई काम नहीं करते। अब आगे तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? जब तक मैं सही था तब तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, इसलिए अब अपने अपने काम पर लग जाओ। लेकिन उसके बेटों ने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। वे दोनों एक दूसरे को देख कर हंसने लगे और वहां से चले गए। चंदा अपने बेटों की ये हरकत देख कर बहुत परेशान था। एक दिन उसने सोचा कि अब तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन वह अपने दोनों बेटों को बाहर बुलाता है और बताता है कि बहुत समय पहले हमारे जो खानदान के लोग थे वे राजा महाराजाओं जैसे महल में रहा करते थे और उसका पीछे एक कमरा है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। ये लो उस कमरे की चाबी और जाओ उस कमरे में जितने भी कीमती चीजें हैं उनको लेकर चले आओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना तुम्हें वहाँ से अब आते समय कोई भी ना देखे। दोनों लड़कों ने अपने पिता की बात को बहुत ध्यान से सुना और चले गए उसी कमरे को, क्योंकि उनसे अब रहा नहीं जा रहा था। वे दोनों गए और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनको केवल वहाँ पर एक घड़ा मिलता है जो कि काफी पुराना भी लग रहा था। उसको देखकर एक बेटे ने कहा, यार ये क्या निकला, मुझे लग रहा था यहाँ पर सोना चांदी होगा, लेकिन बापू ने तो हमें बेवकूफी बना दिया, यहाँ पर तो केवल मिट्टी का एक घड़ा रखा हुआ है। फिर वे सोचते हैं कि अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना इस घड़े को घर को लेकर चलें। वे दोनों उस घड़े को उठाकर अपने घर को पहुंच जाते हैं और अपने बापू के हाथों में थमा देते हैं। अब चंदा उन दोनों बेटों से कहता है कि यह घड़ा बहुत जादुई है, लेकिन मुझे इसका जादू नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि यह घड़ा तुम लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दोनों लड़कों ने काफी ज्यादा कोशिश की और उसका जादू सीखने का प्रयत्न किया, लेकिन वे विफल रहे। धीरे धीरे अब कई दिन बीत चुके थे। एक दिन जब वे दोनों लड़के बगीचे में पानी दे रहे थे तभी उनमें से एक लड़का एक फूल को तोड़ता है और उसको थोड़ी देर सूंघता है और फेंक देता है। जब वह फूल को फेंकता है तो वह फूल जाकर उसी घड़े में गिर जाता है और देखते ही देखते वह जो घड़ा था वह फूलों से फूल हो जाता है। जब वे दोनों घड़े को फूल देखते हैं तो वे इसकी शक्ति को समझ जाते हैं कि आखिर इसमें क्या जादू है। वे उन फूलों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। घड़े की ये विशेषता देखकर वे बहुत खुश थे, बहुत कूद रहे थे, बहुत उछल रहे थे। अब क्योंकि जब भी उनको पैसों की जरूरत होती थी वे उसमें फूल डालते थे, सब्जियां डालते थे और वह फूल हो जाता था और उसको बाजार में बेचकर आराम से पैसे कमा लेते थे। लेकिन जो चंदा था उसने देखा कि उसके बेटे जो थे उनकी जो चाल ढाल थी, उनके जो बात करने का तरीका था, पैसे खर्च करने का तरीका था, वह काफी बिगड़ रहा था। एक दिन चंदा ने उस घड़े को छिपा दिया। अब जो उसके बेटे थे वे घड़े को लेने आए तो उन्होंने इधर उधर देखा, जो घड़ा है वह तो यहाँ पर है ही नहीं। वे बहुत परेशान हुए। तब उन्हें पता चला कि अब हमें पैसे कमाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पैसे के बिना जिंदगी आसानी से कटने वाली नहीं है, हमने दुनिया देख ली है। अब दोनों भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे थे अपने खेतों में। वे जितना हो पाता वे उतनी खेती करते थे, काफी मेहनत करते थे और जितने भी फल होते थे, जितने भी फूल होते थे उनको जाते थे और बाजार में बेच के वापस आते थे। चंदा ने देखा कि उसके जो बेटे थे वे काफी मेहनत कर रहे हैं और वे काफी समझदार भी हो गए हैं, तो क्यों ना इनको घड़ा वापस कर दिया जाए। वह जाता है और उस घड़े को वापस लाकर अपने बेटों को दे देता है और उनसे कहता है कि यह मटका मैंने छिपा दिया था क्योंकि तुम लोग काफी आलसी हो गए थे, पैसे कैसे खर्च करने हैं इसकी तुम्हें कोई समझ नहीं थी, लेकिन अब मैंने देखा कि तुम काफी मेहनत कर रहे हो, काफी समझदार हो गए हो, इसलिए मैं यह घड़ा तुमको दे रहा हूँ। इस घड़े का कभी गलत इस्तेमाल ना करना, नहीं तो इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। दोनों बेटों ने अपने बापू की बात को माना और वचन दिया कि हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे और इस घड़े का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, कभी इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे।